जोहार साथियों, आप ये देख रहे हैं डुमरी ओवर ब्रिज की, और ये देखिए जेबीकेएसएस की टीम की गाड़ी पुलिस जाने से रोक रही है, बैरिकेडिंग लगा है। ए ओखनी जा दे रहा लेकिन टेम्पो आगे बढ़ा रहे थे ताव आगू बढ़ा रहे थे। ये आप देख रहे हैं क्या वार्ता होती है, देखते हैं फिर क्या लग रहा है। हम तो यहाँ जाम में फंसा है। जोहार साथियों, ये आप देख रहे हैं डुमरी ओवर ब्रिज की है, और डुमरी ओवर ब्रिज में देख सकते हैं जेबीकेएसएस टीम वाले लोग हैं, जो लोग कर रहे हैं लोग आए हैं, बबन सिंह हैं, और क्या कुछ वार्ता होती है बातचीत करते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये क्या बोला जा रहा है, डुमरी में रोक दिया गया है यहाँ पर। गाड़ी नहीं जाने दिया जा रहा है, तस्वीर आप दिखा रहे हैं हम आपको।
ये सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डुमरी ओवर ब्रिज का है। चले गए ये देख सकते हैं, व्यक्ति को चोट भी लगी है ट्रेन में। ये व्यक्ति को गाड़ी पार हो रहा है। ये आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ के पार हुआ। पूरे जयराम मटो के समर्थक बोले कि बैरिकेडिंग नहीं, हम लोग को पार होना है, और यहाँ पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग लगा दिया था। इसके बाद फिर गाड़ी पार हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर होला पड़ा लास्ट में पुलिस प्रशासन को, और सभी गाड़ियां पार हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि लास्ट में बैरिकेडिंग खोलना पड़ा, और ये सभी कागज जयराम मटो समर्थक जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं पूरा कागज जयराम मटो समर्थक लोग उधर, एक तरफ जयराम मटो और एक तरफ, और ये देखिए बेटवा टीम के लोग सब लोग हैं, और सब लोग बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद यहाँ पे डुमरी में देखते हमन सरन का कार्यक्रम था, और सब लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं अगर जयराम मटो के जनसभा में। और सब लोग देखे किस तरह से ये रोका गया था, इसको तोड़ के आगे निकल रहे हैं। अब हम लोग बेटवा टीम आगे निकलते हैं। ये आप देख रहे थे, यही ओवर ब्रिज की घटना है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन रोक के रखा था। इधर हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है, उसके लेकर टाइगर जयराम मटो के जितने झारखंडी जनमानस से जो चाहने वाले हैं, वो लोग इस रास्ते से हजारीबाग से बोकारो से रामगढ़ से लोग आ रहे थे, उन्हें रोका जा रहा था। उसके बाद काफ़ी आनंद फानन में सब लोग जोर किए, उसके बाद ये बैरिकेडिंग खोलनी पड़ी, और टाइगर जयराम मटो का जनसभा है आगे, वहाँ जाने के लिए यही रास्ता था। और ये आप देख सकते हैं कि सभी रामगढ़ के लोग भी जा रहे हैं आगे, सभी लोगों को रास्ता खोलना पड़ा और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार वीडियो देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड। सर हम लोग जेबी कसर द्वारा जो है जयराम दादा के आह्वान में प्रयास किया जा रहा है। ये आप देखिए यहाँ